नमस्कार, पायनियर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिका। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। कई शहरों में पारा चढ़ गया है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार और न्यूनतम तापमान भी 16 के आसपास रह सकता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में आज मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि IMD ने कहा है कि बारिश के बावजूद पारे में बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी, जबकि दक्षिण भारत में बारिश होने के आसार हैं। आज केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसी वजह से उसने पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो आज यहाँ मौसम साफ रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि गुजरात के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए IMD ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात, ओडिशा और राजस्थान में भी लू चलने का अनुमान है, जहां इन राज्यों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में बारिश की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि जब तापमान किसी दिए गए एरिया औसत से अधिक होता है तो उसे हीट वेव या लू कहते हैं। मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे खतरनाक लू की श्रेणी में रखा जाता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।